एंड सेकेंडरी और एक्वायर्ड. ओके, बेसिक नीड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल. इम्पॉर्टेंट जो बेसिक नीड होती है ये हमारी सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होती है. बेसिक नीड आर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल. वेयर एज एक्वायर्ड नीड्स आर नो सो इम्पॉर्टेंट. वेयर एज एक्वायर्ड नीड्स आर सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट. ओके, वी नो वेरियस नीड्स आर फेल्ट बाय द मैन बट डू नॉट नो अबाउट देयर प्रेफरेंशियल ऑर्डर. ठीक है, अगर हम अपनी किसी भी एक इंडिविजुअल की बात करें तो हमारी बहुत सारी नीड्स होती है. ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं इस नीड इस थ्योरी में नीड हायरार्की में, तो इस थ्योरी में जो नीड हायरार्की है वही डिस्कस की गई है, वही बताया गया है कि भाई क्या एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर होता है इंडिविजुअल की नीड का. तो वही मैस्लो ने डिस्क्राइब किया अपनी थ्योरी में जिसका नाम है मैस्लो नीड थ्योरी. उन्होंने ये बताया कि भाई अगर कोई भी एक इंडिविजुअल है या ह्यूमन बीइंग है तो उसकी नीड क्या है, नीड नीड का भी एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर होता है. ठीक है, जो स्टार्टिंग होती है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड से और लास्ट होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक. ठीक है, तो अगर हम किसी भी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसकी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं और उसकी कुछ एक्वायर्ड नीड्स होती हैं. ठीक है, और उसी के हिसाब से फिर क्या किया गया है, एक ऑर्डर को एक सिक्वेंस बनाया गया है और उसके हिसाब से हम डिस्क्राइब करते हैं कि भाई इंडिविजुअल की जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप नीड सेटिस्फाई होती है उसके बाद अगली नीड क्या हो जाती है, उसकी एक तरीके से डेवलप हो जाती है. ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो गई, फिर हमारी सेफ्टी नीड आ जाती है. ठीक है, फिर जब हमारी सेफ्टी नीड सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हमारी नेक्स्ट नीड अराइज हो जाएगी. तो यही ऑर्डर हम बता रहे हैं इस थ्योरी में. ठीक है, और उससे पहले मैं बता दूं आपको एच मैस्लो सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि जो भी प्रेफरेंशियल ऑर्डर है मैस्लो ने सॉल्व किया. तो पूरा नाम यहां पे मैं लिख देता हूं, ए एच मैस्लो सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम एंड प्रेजेंटेड अ थ्योरी ऑन प्रायोरिटी ऑर्डर. यानी कि उन्होंने क्या किया है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर बनाया, एक सीक्वेंस बनाया है, एक ऑर्डर एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर डिस्क्राइब किया है इस थ्योरी में ऑफ नीड्स. सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस ऑफ मैस्लो नीड मॉडल्स आर, फर्स्ट वन क्या है, मैन इज वांटिंग एनिमल है. ठीक है, हमारी नीड वांट और जो डिजायर है वो क्या है, अनलिमिटेड है, उसका कोई भी एक स्टॉप नहीं है. अगर हम किसी एक अपनी नीड को सेटिस्फाई कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट नीड अराइज हो जाती है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं मैन इज वांटिंग एनिमल, हमारी वांट हमेशा क्या है, बढ़ती रहती है, अनलिमिटेड है एक तरीके से. अगर हम लाइफ में अपनी आप एक स्टेजेस पे आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी लाइफ में तो वैसे वैसे हमारी वांट भी क्या हो जाएगी, बढ़ती रहती है. ठीक है, जैसा कि हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, तो अगर हम अपनी आज किसी एक वांट को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम हमारी नेक्स्ट वांट अराइज हो जाएगी. ठीक है, तो जो कि क्या है, अनलिमिटेड है. सेकंड हम बात कर रहे हैं, ए सेटिस्फाई नीड इज नो लॉन्गर मोटिवेटर और सेटिस्फाई नीड इज नो लॉन्गर मोटिवेटर. ठीक है, एक नीड को सेटिस्फाई करके आप लॉन्ग टाइम तक किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे जैसे हमारी नीड डेवलप होती है वैसे वैसे हमें फिर क्या है, हमारा जो मोटिवेशन है वो चेंज होता रहता है. ठीक है, अब किसी इंडिविजुअल को हमने क्या करा, उसको हमने प्रमोशन देके सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन जब उसको प्रमोशन मिल जाएगा तो नेक्स्ट टाइम उसकी नेक्स्ट नीड अराइज हो जाएगी और वो उसका जो मोटिवेशन है वो वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और फिर अगेन हम क्या करेंगे, उसकी नीड को सेटिस्फाई करेंगे और उसको मोटिवेट करेंगे. ठीक है, तो एक तरीके से हम यहाँ पे जो सेकंड बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं, अ सेटिस्फाइड नीड इज नो लॉन्गर अ मोटिवेटर.
ठीक है. नीड हैव हायरार्की ऑफ इंपॉर्टेंस, थर्ड है. नीड हैव नीड हैव हायरार्की ऑफ इंपॉर्टेंस, यानी कि जो हमारी नीड है उसका एक हायरार्की होती है, एक लेवल होता है जिसके हिसाब से वो अराइज होती है. जैसे स्टार्टिंग में अगर हम बच्चे किसी की भी बात करें तो हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जैसे कि हमें रहने के लिए मकान चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, ठीक है, पहनने के लिए कपड़े चाहिए. तो ये सब क्या है, हमारी साइकोलॉजिकल बेसिक नीड्स हैं, ठीक है. जब हमारी बेसिक नीड्स कवर हो जाती हैं तो फिर हमारी उसके बाद क्या है, हमारी सेफ्टी नीड आती है. ओके, जैसे कि सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड की बात कर रहे हैं, उसको हम जब सेटिस्फाई कर लेते हैं फिर हमारी सोशल नीड आती है. सोशल नीड को जब हम सेटिस्फाई कर लेते हैं फिर हमारी ईगो नीड्स अराइज हो जाती हैं. तो यही हम बात कर रहे हैं नीड हायरार्की में. ओके, तो यहां पे मैं एक फिगर बना देता हूं ताकि आप बहुत इजिली उसको अंडरस्टैंड कर ले, जिसकी स्टार्टिंग हम कर रहे हैं बेसिक साइकोलॉजिकल नीड से. बेसिक सॉरी फिजियोलॉजिकल, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, फूड, शेल्टर, वाटर, एयर, ठीक है. उसके बाद जो सेकंड लेवल है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड. सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड में हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन, ऑर्डर, स्टेबिलिटी. उसके बाद जो थर्ड लेवल है वो है सोशल नीड. सोशल नीड में हम बात कर रहे हैं अफेक्शन, फ्रेंडशिप, बिलोंगिंग. सोशल नीड के बाद है ईगो नीड. ईगो नीड में हम बात कर रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टेटस और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ठीक है, यानी कि सेल्फ फुलफिलमेंट. तो ये क्या है, पूरा एक लेवल है मैस्लो हायरार्की और नीड ऑफ थ्योरी का. एक फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है, जिसमें हम स्टार्टिंग कर रहे हैं किसे, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी. ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, द नीड्स दैट आर टेकन इन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मोटिवेशन थ्योरी. ओके, आर सो कॉल्ड फिजियोलॉजिकल नीड्स. दीज नीड्स रिलेट टू द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ. These needs include such things as a food, clothing, shelter, air, water, and other necessities of life. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स है. आफ्टर दैट जब हम अपनी इस नीड को सेटिस्फाई कर लेते हैं तो हमारी नेक्स्ट नीड अराइज होती है, डेवलप होती है, जो कि है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड. ठीक है, आफ्टर सेटिस्फाइंग द फिजियोलॉजिकल नीड्स पीपल वॉन्ट अश्योरेंस ऑफ मेंटेनिंग अ गिवन इकोनॉमिक लेवल. दे वॉन्ट जॉब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, प्रोविजन ऑफ ओल्ड एज, इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क एटसेट्रा.
ठीक है, यानी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी रेट हमारी राइज हो जाती है, जिसमें हम बात कर रहे हैं इन सब फैक्टर्स की, जैसे कि क्या है, हमें अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहिए, इनकम की सिक्योरिटी चाहिए, प्रोविजन ऑफ ओल्ड एज है, कोई इंश्योरेंस है, ये सब चीजें, ठीक है। जब हम इन नीड को सेटिस्फाई कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट नीड अराइज होती है, जो कि सोशल नीड। ओके, सोशल नीड में हम बात कर रहे हैं, मैन इज सोशल बीइंग, ही इज देयरफॉर इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन, सोशियबिलिटी, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स एंड ग्रीवियंसेस, कंपनशिप, रिकॉग्निशन, बिलोंगिंगनेस एटसेट्रा। नॉन सेटिस्फेक्शन ऑफ दिस लेवल ऑफ नीड्स में अफेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, सोशल नीड हमारी क्या है, सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, ठीक है, इंट्रैक्शन, कम्युनिकेशन, बिलोंगिंगनेस, ये सारी चीजें क्या है, हमारी सोशल नीड्स है। जैसा कि हमें पता है मैन क्या है, सोशल बीइंग है, तो आपस में सोशलाइजेशन, इंट्रैक्शन क्या है, हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोशल नीड्स में। जब सोशल नीड्स हमारी डेवलप हो जाती हैं और उसके बाद उसको हम सेटिस्फाई फुलफिल कर लेते हैं, उसके बाद हमारी फिर ईगो नीड आ जाती है। ईगो नीड में हम बात कर रहे हैं, ईगोस्टिक नीड्स कैन टेक इनवर्ड और आउटवर्ड ऑरिएंटेशन। इनवर्ड डायरेक्टेड ईगो नीड्स एम्ब्रेस विद सच थिंग एज द सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके, इंडिपेंडेंस, अचीवमेंट, कॉम्पिटेंस, नॉलेज, तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी ईगो नीड्स हैं। ओके, दे हैव टू अर्न बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ थ्रू हिज इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्क। ठीक है, हम अपने आप इसको अर्न करते हैं। जैसे सपोज कोई नॉलेजेबल है तो वो नॉलेज अपने अपने जो उसका जो एक तरीके से जो लेवल है, कॉम्पिटेंट लेवल है, उसके हिसाब से है, उसने अपने बहुत सारी चीजों को लर्न किया है और उसके बाद अपनी नॉलेज को डेवलप किया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो भी ईगो नीड्स है इनको हम क्या करते हैं, अर्न करते हैं। दे लीड टू अर्न रिकॉग्निशन बाय द सोसाइटी, और जब हम उनको एक तरीके से हम डेवलप कर लेते हैं तो सोसाइटी की तरफ से हमें रिकॉग्निशन मिलने लगता है। जैसे कि सपोज आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि भाई आप इंटेलिजेंट हो, आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्किल्स हैं। तो ये सारी हमारी ईगो नीड्स होती हैं। आउटवर्ड डायरेक्टेड ईगो नीड्स आर कंसर्न विद द प्रेस्टीज, स्टेटस, ठीक है, एंड मार्क्स ऑफ रिस्पेक्ट। उसके बाद लास्ट है क्या, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हम बात कर रहे हैं, द फाइनल स्टेप अंडर द नीड प्रायोरिटी मोड इज द नीड ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट ऑफ नीड। ओके, व्हाट अ पर्सन कंसीडर टू बी हिज मिशन इन लाइफ। तो हर किसी का अपनी लाइफ में एक मिशन होता है। ठीक है, अब वहां तक आप पहुंच रहे हो तो जो सेल्फ फुलफिलमेंट होता है वो इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल वेरी करता है। कोई सबका एक सेटिस्फेक्शन, एक फुलफिलमेंट लेवल क्या होता है, डिफरेंट होता है। कौन किस स्टेज पे जाके फुलफिलमेंट सेटिस्फाई फील कर रहा है, कौन किस स्टेज पे जाके नहीं कर रहा है, ये इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल वेरी करता है। ठीक है, अगर कोई एक पर्सनैलिटी ऐसी है जिसने एक हाई पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली है, वो एक अच्छी पोजीशन पे है, वो एक अच्छा पैकेज है उसके पास, तो हो सकता है वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा हो, फुलफिल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे फील कर रहा हो। ठीक है, लेकिन एक इंडिविजुअल ऐसा भी हो सकता है जो इन सब चीजों को अचीव करने के बाद भी कहीं ना कहीं उसका सेटिस्फेक्शन वहां पे फुलफिल ना हो रहा हो। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। ओके, तो यही था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑल्सो इन्वॉल्व रियलाइजिंग वन पोटेंशियलिटी ऑफ द कंटिन्यू सेल्फ डेवलपमेंट एंड फॉर बीइंग क्रिएटिव एंड ब्रॉडकास्ट सेंस ऑफ द वर्क। ओके, तो दिस इज द टॉपिक मैस्लो नीड थ्योरी। ओके, थैंक यू वेरी मच अगेन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, थैंक यू।